नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजादी के 7 दशक बाद भी राजस्थान पुलिस आदिवासियों की कुप्रथा मोताड़े पर रोक लगा पाने में विफल रही है। इसके विपरीत आज भी पुलिस आदिवासियों के सामने घुटने टेककर समझौता कराने में जुटी है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर जिले में सामने आया है। आदिवासी कोटला क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से रोकने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मोताड़े की मांग को लेकर चल रहे विवाद में समझौता कराया है। मोताड़े के रूप में 10 लाख रुपये की रकम को लेकर समझौते के बाद ही मृतका का घटना के 3 दिन बाद पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हो पाया। आदिवासियों उपखंड कोतला के डोंगरिया तला गांव में शनिवार का गोला गमार ने अपनी पत्नी पीथा गमार की हत्या कर दी थी। शराब पीने से टोका टोकी करने पर गोला घर में रखी बंदूक लेकर आया और लोड करने के बाद पत्नी पर फायर कर दिया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने गोला गमार को घर के बाहर सूखे पेड़ के तने से बांध दिया तथा पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उसे कोटला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन पीहर पक्ष के लोगों ने शव नहीं उठाने दिया। उनकी मांग मोताड़े को लेकर थी। गौरतलब है कि आदिवासी क्षेत्र में मौत के बदले मौत या उसके बदले आड़ा यानी राशि या रकम देने पर विवाद खत्म करते हैं। ये कुप्रथा सैकड़ों सालों से आदिवासियों में चल रही है। पुलिस प्रशासन भले ही इस प्रथा के खात्मे का दावा करे, लेकिन आज भी पुलिस मोताड़े के मामले में समझौता करती दिखाई देती है। इस मामले में भी ऐसे ही हुआ है। मृतका पीथा गमार के पीहर पच भूला के ग्रामीणों ने मोताड़े की रकम को लेकर डोंगरिया यतला गांव पर चढ़ाई कर दी थी। पीहर पच के लोगों ने मोताड़े के रूप में 15 लाख रुपए की मांग रखी। दोनों पक्ष में चली गई दौर की वार्ता तक कोटला थाना पुलिस के सहयोग से मामला 10 लाख रुपए में निपट गया। इसके बाद ही पीहर पच ने शव उठाने दिया। पोस्टमार्टम के बाद ही उसका अंतिम संस्कार हो पाया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजू पचार का कहना है कि मोताड़े जैसी कुप्रथा को पुलिस बढ़ावा नहीं देती है। पुलिस का रोल केवल कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल की पालन करना ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।